अगर तुम ऑफिस में काम करते हो ना, तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा, अगर लड़की सज दस के मतलब मुंह से लेके शू तक अगर पूरा तैयार हो के मेकअप करके आई है ना, तुम्हें अपने आप ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि लड़की आज सेल्फी ले लेके वॉशरूम का कांच तोड़ने वाली है। बहुत लोगों को लगता है कि ऑफिस में जो ओवर टाइम करता है वो बहुत मेहनती होता है, पर ऐसा नहीं है। इसके सिर्फ दो रीजन होते हैं, या तो वो अपने घर से तंग है या ऑफिस में किसी के संग है। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जॉब से परेशान है क्योंकि तुम्हारी सैलरी कम है, तो किसी महान पुरुष ने कहा है, अगर काम ज्यादा हो और सैलरी कम तो ऐसा काम करो कि सैलरी ज्यादा लगने लग जाए। ऑफिस सरकारी हो या प्राइवेट, चलता सिर्फ एक रूल पर है, तुम अपने बॉस को चूतिया समझते हो और तुम्हारा बॉस तुम्हें। ऑफिस वाला प्यार लगता है बेकार। तो as promised, आज हम कर रहे हैं ऑफिस वाला प्यार, बट मेक श्योर कि तुमने पहले के पार्ट देखे मेरे यार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। तुम में से बहुत लोगों को लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ क्योंकि मैं डेली वीडियोस करता हूँ। तुम में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, भाई यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय। और मेरी हंसी छोड़ती है, मुझे लगता नहीं मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो ऐसा क्यों है, इस बात का तुम्हें आंसर आज मिल जाएगा। मैंने अपना कॉलेज क्यों नहीं किया और सीधा स्कूल के बाद जॉब पे चला गया, इसका आंसर तुम्हें आज मिल जाएगा। आज एक बार और तुम्हारे भाई का चूतिया कटेगा और ब्रेकअप होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, तुम्हें ये बात जाननी जरूरी है कि ये वीडियो ना एक वाइन की तरह होगी। मतलब शुरुआत में अगर तुम एंजॉय करने की सोच रहे हो ना, तुम एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, बट जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेंगे ना, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट ब्रो। चलो ना शुरू करते हैं। अब तुम्हें पता है 2010 एक ऐसा साल था जहां पे मैंने अपनी 12th पास करी। तो स्कूल के बाद मैं चाहता था करना एनिमेशन क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था फोटोशॉप में, वीडियो एडिटिंग में। और उसी टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम 3 Idiots मूवी आई थी, तो मैंने बहुत इजीली कन्विंस कर लिया था अपने घर वालों को गाना गा के, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। और घर वाले मान भी गए थे और मैंने एडमिशन भी ले लिया था अरीना एनिमेशन में। और ये एनिमेशन था साउथ एक्स में। साउथ एक्स वो जगह थी जहां पे मेरी पहली डेट थी, तुम्हें याद होगा। उसके आगे मेरी बंदी का कॉलेज होता था, तो मैं कहा बहुत बढ़िया है कॉलेज, वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे घूमेंगे फिरेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें हमेशा। तो तुम सोचते हो ना, वो कभी प्लान के हिसाब से जाता नहीं। ये वही साल था जहाँ पे मैं पूरे साल में आधे टाइम हॉस्पिटल में रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेडिकल बिल, इसी साल मेरी बहन की शादी हुई। मतलब इन टोटल इतना ज्यादा फकअप हो गया था ना कि घर के फाइनेंशियल हालात बिगड़ गए। तब एक दिन मेरे डैड ने मुझे बुलाया, बेटा कम हियर, अभी घर के हालात बहुत नाजुक है, भाई फाइनल ईयर में उसको छुड़वा नहीं सकते, बहन की शादी पे खर्चा बहुत हो गया, तो तू जॉब कर ले और जैसे भाई जॉब करना शुरू करेगा तू वापस पढ़ाई कंटिन्यू करना। मेरे का बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं हमारे, लॉजिक समझता भाई तुम्हारा, जॉब मिले ना मिले मैं करेगा, ऐसे लाएगा घर में, वो अलग बात है कि मैं 12वीं पास है बट मैं जॉब करेगा, वो अलग बात है कि मुझे कोई जॉब नहीं देगा बट फिर भी मैं जॉब करेगा, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली। ये सब मैंने उस टाइम में नहीं सोचा था, बट मेरे दिमाग में बस यही था कि लॉजिकल बात है और घर वालों को सपोर्ट करना है। तो फिर मैं निकला अपनी जॉब की तलाश में। एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन, मतलब इतने बुरे हालात हो चुके थे ना रिजेक्शन ले लेके। एक टाइम पे मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैं सोचता था भाई जो नाम चेंज कर लेता हूँ, अभिषेक से रिजेक्शन रख लेता हूँ, साला नाम देख के ही कोई रिजेक्ट ना करे, क्या पता क्या कुछ भी हो सकता है यार। और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे समझ में नहीं आता लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, और ये बात समझने में मुझे 6 महीने लग गए। और इन 6 महीनों के अंदर 40 इंटरव्यू मुझे फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया, 30 इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड ईमेल पे रिजेक्ट किया गया। यस दैट्स राइट, 70 इंटरव्यू से रिजेक्टेड हूं मैं। नो गॉड प्लीज नो नो No! No! तो तुझे 6 महीने बाद कैसे एहसास हुआ? मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरा फोटोशॉप का काम लेके मेरा दोस्त गया इंटरव्यू देने, उसका सिलेक्शन हो गया। और 3 महीने बाद जब उसने सेम कंपनी में मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, मैं अपने काम के साथ इंटरव्यू देने गया और मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... 70 इंटरव्यू से रिजेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं। अभी भले ही मैं फेस पे स्माइल लेके बोल रहा हूँ, उस दिन मैं बहुत रोया था, जरूर से ज्यादा रोया था, क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग आ चुकी थी कि मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है, लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन है, बट मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और ये फीलिंग ना बहुत गलत फीलिंग होती है कि तुम अपने आप को समझते हो तुम नालायक निकम्मे हो। लोग कहते हैं अलग बात है, बट तुम खुद समझने लग जाते हो ना ये चीज, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक हो चुकी होती है, दुनिया खत्म होने लगती है, तुम सोचने, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, क्या कर रहा हूँ मैं, किसी काम का नहीं हूँ मैं दुनिया के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मर जाता हूँ। ये पहली बार था जब सुसाइडल थॉट मेरे दिमाग में आया था। तुम्हारे अंदर आवाजें आती रहती है कि ब्रो दिस इज नॉट दी एंड, तू इससे अच्छा कर सकता है, वो कंपनी तेरे लायक नहीं थी, उन कंपनी को टैलेंट की कदर नहीं है, तू एक दिन अच्छा करेगा,
भरोसा रख, उम्मीद रख, और वो उम्मीद थी जो काम कर गई और मुझे जॉब लगी। मेरी पहली जॉब लगी बजाज आलियांज में 5,000 रुपए महीने की सैलरी। अब इतनी कम सैलरी में मैं फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे दो जॉब करनी पड़ती थी। एक सुबह मॉर्निंग में जो मेरी परमानेंट फुल टाइम जॉब होती थी बजाज आलियांज से, और देन रात में मेरी पार्ट टाइम जॉब जो वीक में मुझे 2 दिन करनी होती थी, रात में मेरी ऑडिट वाली जॉब। या दैट्स राइट, मैं 7 दिन में 9 दिन काम करता था और 5 दिन सोता था। व्हाई आर वी स्टिल हियर? तो अगर तुम्हें लगता है कि YouTube पे मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, नहीं ब्रो, ये कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं इससे ज्यादा काम कर चुका है। बट एक बार जॉब लगने के बाद मुझे इन्वायरमेंट समझ में आया कि लोग तुम्हें हायर तुम्हारे टैलेंट पे नहीं करते, वो रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले मशीन को करते हैं। अगर तुम ऑफिस में जॉब करते हो ना, तुम्हें पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक काम नहीं होता इससे ढंग से, इसको हायर किया साला, मुझे 70 बार रिजेक्ट मारा था। और उस दिन मुझे एक बात का और एहसास हुआ कि HR मुझे हायर क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता है मैं स्टेबल बंदा नहीं हूँ, मैं एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मुझे हमेशा कुछ नया चाहिए, चीजें सीखने के लिए, चीजें करने के लिए। और ये जो नई चीज सीखने की चाहत होती है ना, करने की चाहत होती है, ये तुम्हें अनस्टेबल रखती है, लोग तुम्हें पागल समझते हैं। और शायद यही रीजन था कि 5 साल के अंदर मैंने 11 जॉब बदली। सारे नाम कंपनी के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने एक्चुअली 11 जॉब बदली। ए ब्रो, तू बोर कर रहा है, लव स्टोरी, वेयर इज द लव स्टोरी? ये स्ट्रगल वाला फेज है, तो इसको हम पोस्टपोन करते किसी और दिन के लिए और सीधा जंप मारते हैं 2014। और इससे पहले कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ आगे की कहानी, तुम्हें ये समझना जरूरी है, तुम में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मैं डेली वीडियोस क्यों करता हूँ, इसका आंसर भी तुम्हें अभी मिल जाएगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड अंशु अनुराग, हम दोनों एक गली छोड़ के रहते हैं, तो स्कूल से हमारा सीन ये है कि हम हर शाम को निकलेंगे, आधा एक घंटा पूरा मुआयना लेंगे गली कूचे का कि सब कुछ सही चल रहा है, बकैती मारेंगे, आवारागर्दी करेंगे, सोशल टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब हजारों तरीके की बात होती है उस आधे घंटे के सफर में। बट फिर उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ, वो सिक्किम चला गया। अब वो साल में ना 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए दिल्ली आता था, वो भी दिसंबर के टाइम में। 2014 ये वो साल था जब मैंने लेंस कार्ड ज्वाइन किया, और यूजुअली लेंस कार्ड में ना मेरी 2 से 11 की शिफ्ट होती थी इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग तो मैं पता है मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। तो मैं अपने DL के पास गया, क्या ब्रो मेरा ब्रो आ रहा है, तो अभी या तो तू मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट दे या मेरा रिजाइन एक्सेप्ट कर, मैं निकल रहा है। दोस्त के लिए जॉब छोड़ देता है तू? सबके लिए नहीं, बस उसके लिए छोड़ सकता हूँ। पता नहीं क्यों बट है ऐसा सीन अभी, क्योंकि मैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर था उस ऑफिस में, क्योंकि मैं पॉलिसी एकदम घोट के पी चुका था, मेरी कस्टमर हैंडलिंग एक्सपीरियंस इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मैं कितना भी आयरेट कस्टमर क्यों ना हो उसे हैंडल कर सकता था। और मेरा बॉस मुझे जाने नहीं देना चाहता था, बट वो मुझे मॉर्निंग शिफ्ट भी नहीं दे सकता था, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में लड़कियां भेजता था वो ज्यादातर, तो साले ने मुझे नाइट शिफ्ट दे दी। अभी नाइट शिफ्ट में क्या है ना, 4-5 गिने चुने लोग हैं, बेसिकली दुनिया खत्म हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी ना इन 4-5 लोगों के साथ ही कटेगी। और तुम्हें पता है जब 4-5 लौंडे एक साथ हो ना, वो सिर्फ एक ही बारे में बात करते हैं, लड़कियां ब्रो, लड़कियां और क्या। तो जब तक मेरा दोस्त था मैं नाइट शिफ्ट में रहा, और जब अंशु वापस सिक्किम चला गया तब तक मैं नाइट शिफ्ट एंजॉय करने लग गया था, क्योंकि लिटरली रात में काम नहीं होता था, फुल ऑन हरामखोरी। तो मैंने अपने TL को बोला भी नहीं कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाओ, और मैं नाइट शिफ्ट में खुशी खुशी काम करता रहा। फरवरी में हमें पता चलता है कि ऑफिस में एक नई लड़की आई है मेहरा जी करके, जो बाकियों से अलग है, एकदम टॉम बॉय टाइप की, मेरे टाइप की। अभी लड़कों का क्या हुतियापा होता है, अपना स्वैग दिखाने दिखाना है, फिर से शर्त, तू नहीं आई लव यू बोल सकता, मैं बोलेगा। मेरी शिफ्ट सुबह 8 बजे खत्म होती है, उसकी सुबह 8 बजे शुरू होती थी शिफ्ट, और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं उसके पास गया। मैं कहा सुनो मुझे जानती हो? कहती हाँ नाम सुना हुआ है मैंने तुम्हारा। या आई एम अ टॉप परफॉर्मर ब्रो, मेरा नाम सब जानते हैं। मैं कहा सुनो पसंद हो गर्लफ्रेंड बनोगे मेरी? और ये बोल के मैं चला आया। अभी मेरे लिए तो मजाक था भैया, ये सब टाइम पास, चैलेंज किया था मैंने, आई लव यू बोला, बोल दिया, खत्म कहानी। बट लोग बड़े हरामी होते हैं ब्रो, उसने मना नहीं किया, वो हंस रही थी और तूने सुना नहीं, हंसी तो फंसी। वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, यहाँ मैं पिघल गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने कहा चलो यार एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अगर पट गई तो वैसे खाली बैठे कोई मिल ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से कहा कंफर्मेशन तो दे दो, हाँ या ना। तुम सीरियस थे? मैं तो मजाक समझी। मैं कहा देख ले सोच ले, अभी जान पहचान नहीं, थोड़ी बात बात कर लेते हैं, वैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा, तेरे पास भी कोई है नहीं, घुमाना फिराना मेरे बस में नहीं, बट ऑफिस में चाय जरूर पिला सकता हूँ तुझे। तो उसने कहा ओके लेट्स ट्राई, 7 दिन का मौका दिया उसने मुझे, मतलब मैंने उससे 7 दिन का लिया कि मैं तेरे को वैलेंटाइन पे वापस प्रपोज मारेगा, तब तू बता दियो कोई दिक्कत नहीं है। डेली सुबह 8 बजे मैं आधा घंटे एक्स्ट्रा रुकता था, उससे बातें करता था, और रात में बैठ के पूरी ना प्लानिंग करता था। एक बात जो मुझे बचपन से पता है ना, अगर तुम्हें रोमांस जानना है तो रोमांस किंग के पास ही जाना पड़ेगा, सलमान खान के तरीके काम नहीं आएंगे इस लड़की पे। ये ले लो रात भर में मैंने शाहरुख खान के सारे फेमस डायलॉग, रोमांटिक डायलॉग देख पा रहे, और एक डायलॉग फाइनल भी कर लिया। पर दिमाग में ये भी था ये लड़की डिफरेंट है, सिर्फ प्रपोजल्स नहीं पटेगी, इसे बाकी चीजें भी देनी होंगी। 6 दिन बैठ के रात भर में मैंने उसके नाम की एक वेबसाइट बनाई, उसके लिए गाना लिखा था, उसको वेबसाइट में ऐसे घुसेड़ा ना कि जैसे तुम उस वेबसाइट को खोलोगे गाना ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा, मतलब मैं अपना
फुल स्विंग में प्रिपरेशन कर रहा है उसको प्रपोज मारने की, बट सडनली खबर उठने लग गई कि ऑफिस में एक और बंदा है जिसके साथ वो घूमती है, जिसके फ्लैट पे वो जाती है। बट भाई तुम्हारा संस्कारी मासूम समझ में नहीं आता उसको बात, जब तक गिर के समझता नहीं वो। अभी जैसे तुम लोग मेरे को भाई समझते हो ना, ऑफिस में भी वैसा इन्वायरमेंट होता था और सारे बंदे मुझे समझा रहे ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, इससे दूर रहे। बट जब तुम्हें ये हवस और प्यार का खुमार चढ़ता है ना, तुम्हारी आंखें अंधी हो जाती है, तुम सब कुछ सामने होते हुए भी ना देख नहीं पाते हो। लाइन प्रपोज तैयार एकदम, और मैं उसे जाके शाहरुख खान स्टाइल में प्रपोज मारता हूँ। अब बंदी इतनी शरीफ ना, बंदी ने कहा यार आई नीड सम टाइम टू थिंक। मैंने कहा ओके नॉट एन इश्यू, बट अगले दिन तक मैं श्योर हो चुका था कि ये एक और बंदे के साथ कर रही है कुछ कर रही है, मुझे नहीं पता क्या, बट कुछ कर रही है। और मेरा हिसाब सिंपल है, अगर तुम्हें कोई बात सुनने में आती है ना, तो इस बात का हवा बचाने से अच्छा उस बंदे से आके कॉन्फ्रेंट करो कि ऐसा है कि नहीं है। और एज ए लॉजिकल बंदा मैंने भी वही किया, मैं कहा मैं ये सुन रहा हूँ तू इस बंदे के साथ क्या है, अगर है तो बता दे मैं साइड हट जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ट्राई करते रहो, चुतिया कटवाते रहो अपना, ये लास्ट वाली लाइन मैंने ऐड करी है। और यही चीज मैंने उस लड़के से भी कंफर्म करी, उस लड़के के पास गया, मैं कहा ऐसा सीन है अगर तू ट्राई कर रहा तो मैं हट जाता है, क्योंकि महाभारत लड़की की वजह से हुई, रामायण लड़की की वजह से हुई, और मैं नहीं चाहता कि हम दो दोस्तों में भी लड़ाई हो जाए। उसने मेरे कहा नहीं ब्रो कुछ नहीं है, वो बस रूम ढूंढ रही थी इसलिए घर पे आई थी, ऐसा कुछ नहीं है, तू ट्राई कर मैं सपोर्ट करेगा तेरे को। मैं वहाँ पे प्रेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई दिन में बंदी मार चुका है। और फाइनली 1 मार्च को उसने मुझे बोला कि मैं 1 तारीख को तुम्हें कंफर्म करेगी, और मैं इतना मासूम, मुझे समझ में नहीं आया 1 तारीख को क्यों। अब 1 तारीख को नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद, उस दिन जल्दी खत्म हुई थी 4 बजे, 4 घंटा ऑफिस में वेट किया उसका, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है। 8:30 बज गए वो नहीं आई, 9 बज गए वो नहीं आई, 10 बज गए वो नहीं आई। अब 10 बजे तक मैंने भी गिव अप मार दिया था कि नहीं आएगी, गोली देगी, और मेरा गुस्सा एकदम आसमान छू रहा है। मतलब इंसानियत नाम की चीज होती है, अगर मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया ना, मैं उधर पहुंचूंगा, भले ही आधा घंटा लेट पहुंचू बट मैं पहुंचूंगा। पता चला बंदी अनप्लान्ड लीव मार चुकी है, और गुस्से में मैं वापस घर आ गया। मैं घर पहुंचा, खाना वाना खाया और मैं सोने जा रहा था, तब उसका कॉल आता है, यार मैं बारिश में अटक गई थी, सॉरी मैं लेट हो गई। मैंने कहा फिर बताओ रिस्पॉन्स क्या है। कोई नहीं बंदी है भाई, गुस्सा नहीं सख्त लौटना। तो कहती कोई नहीं मैं शाम तक बताती हूं तुम्हें। शाम को उसका कॉल का वेट करता रहा, कॉल नहीं आई। मैं चूतिया आदमी था एक नंबर का। 7 बजे फाइनली मैंने खुद उसे कॉल करी, मैं बता दे हाँ या ना, मैं कौन सा तेरा मर्डर करूंगा, तू ना बोलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बंदी ने ना कर दिया बे, जब तेरे को पहले ही ना करना था पहले मना कर दिया, इतना खर्चा क्यों करवा दिया। मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसको बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं यार मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं क्या हो गया, बस ट्रेन लड़की के पीछे कभी नहीं भागना, मना कर दिया इज्जत से साइड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी नाइट शिफ्ट में मैं गया और तब मुझे लोगों ने कंफर्म करना शुरू किया, नहीं भाई 100% ट्रू है, वो उसी लड़के को डेट कर रही है, उसी के साथ फ्लैट में जंपिंग झपक 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 कर रही है। मैं कहा यार वैलेंटाइन पे एक्सेप्ट करोगे, उससे पहले नहीं। अबे भाई जनवरी से कर रही है, तेरा काटा है सबने मिलके। और फाइनली फिर से मैंने एक बार उससे बात करी, क्या ये सच है। उसने बोला हाँ। मैं उस लड़के के पास गया, मैं कहा भाई अगर ये सच था तूने मुझे बताया क्यों नहीं। कहता नहीं यार उस टाइम उसने हाँ नहीं कही थी, अभी हाँ बोली, और उस टाइम मेरा दिमाग ठनका। मैं कहा नहीं नहीं तुम्हें नुकसान देना ना ऐसे दे जाओ, फीलिंग के साथ मजाक नहीं, फीलिंग के साथ मजाक नहीं। भले ही मैंने खुद दूसरों के साथ किया हो बट मेरी फीलिंग के साथ मजाक नहीं। मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, कनेक्ट बहुत मुश्किल से करता हूँ, बट अगर करता हूँ ना तो मजाक नहीं। और बड़ा गुस्सा आया मुझे, बड़ा गुस्सा है, बहुत जरूर से ज्यादा गुस्सा आया। बट गुस्से की अच्छी बात ये होती है कि मैं अपने आप को ना अपने रूम में लॉक करता हूँ और सारी चीजें बैठ के भूखते हुए एनालाइज करता हूँ, गलती किसकी कहाँ हुई। और अगर तुम सोचते हो ना मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, ये उस टाइम पे जो किया था ना ये उसका नतीजा है। वहीं से असली ज्ञानी बना हूं मैं। और तब मुझे समझ में आया गलती क्या थी, क्योंकि जो लड़का जिसको उसने हाँ करी थी ना वो मेरा सीनियर था, वो उस कंपनी में 3 साल से था, उसकी एक पोजीशन थी, मैं जोकर था, कोई भी मुझे सीरियस नहीं लेता था, और यही रीजन था कि मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती थी। बट हर फेलियर ना तुम्हें एक मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने की, और ये वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे बढ़ेगा। पहले तो मैं मजे में काम कर रहा था बट अब मैं इससे आगे निकलेगा, मैं प्रमोशन लेगा, मुझे नहीं पता कैसे बट मैं लेगा। सबसे पहला काम किया मैं ऑफिस में नाइट शिफ्ट से दिन में अपने आप को शिफ्ट कराया। दिन में शिफ्ट होते ही 1-2 महीने में अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाई कि हाँ मैं सीनियर पोस्ट पे है, मुझे नॉलेज है प्रोसेस की, तो उस लड़के से ना पूछ के मुझसे पूछो, फ्रेंडली रिलेशन बनाने का भी फायदा होता है। मतलब 3 महीने में तू लड़की तो ले गया ब्रो बट तेरी प्रमोशन मैं ही लेके जाऊंगा। 3 महीने में मेरी वैल्यू उस लड़के से ज्यादा थी। इस बीच में 2 अप्रेजल निकले, एक था टीम लीडर का, एक था क्वालिटी एनालिस्ट का। अब मैं टीम लीडर बन सकता था, मेरा TL भी कह रहा था तू यही भर, बट मैं इनके भरोसे में नहीं आ सकता क्योंकि ये 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ये मेरा काट चुके हैं एक बार और दूसरी बार मैं कटवाऊंगा नहीं। तो मैं उस बंदी के पास गया, उस HR के पास गया जिसने मुझे हायर किया था, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि टीम लीडर फिक्स नहीं है, इट्स बेटर कि तू QA भर। और उसकी बात मान के मैंने क्वालिटी एनालिस्ट भर दिया। क्वालिटी का इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट निकला, मैं सेलेक्ट हुआ।
टीम लीडर की जो प्रमोशन की आईजीपी निकली थी वो कैंसिल हो गई। मतलब इन शॉर्ट 3 साल से वो बंदा उस ऑफिस में था, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था, 11 महीने में मैंने प्रमोशन ली, वो अभी भी एजेंट है, मैं क्वालिटी ऑडिटर। फक यू तिवारी। आम आदमी सोता हुआ शेर है, शेर के साथ छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि जब शेर चाहता है ना चीड़ पार देता है। ओए नहीं नहीं नहीं, कहानी एक्चुअली यही है, बट तिवारी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आज भी, और इवन वो लड़की भी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि ग्रजित मैं रखता नहीं किसी से। आदमी यार गलतियों का पुतला है, मैंने खुद बहुत सारी गलतियां करी, और मैं हमेशा यकीन रखता हूँ लोगों की गलतियों पे माफ कर देना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल, पहला लोगों के इमोशन के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि जब फीलिंग हर्ट होती है ना आदमी अपनी सारी लिमिट पार कर जाता है। अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं प्रमोशन के लिए करता भी नहीं, क्योंकि प्रमोशन लेना मेरा कभी भी एम नहीं था। मैं आराम से 2-3 महीना और काम करता, जॉब छोड़ के कहीं और चला जाता, मुझे कौन सा घर बनाना था वहां पे। और इवन ये प्रमोशन भी ना मैं उन दोनों को क्रेडिट देता हूँ कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना बुरा फील कराया कि हाँ मेरे अंदर की जो मरी हुई आग थी वो वापस जगी और मेरे को प्रमोशन मिली। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऑफिस में हार्ड वर्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे, सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऑफिस में आगे तुम तभी बढ़ सकते हो जब तुम काम के साथ साथ पॉलिटिक्स करते हो, और ये लास्ट के 3 महीने में मैंने जो पॉलिटिक्स करी ना, बाई गॉड। तो यार बस आज के लिए इतना काफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो और खुश रहो यार, मुस्कुराते रहो, जिंदगी बहुत अच्छी है। आई लव यू ऑल, और एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें वो गाना सुनाऊंगा जो मैंने उस लड़की के लिए लिखा था इस 13 तारीख को। दिल भर मेरे, मेरा अगला सॉन्ग म्यूजिक वीडियो आ रहा है 13 तारीख को। तो अभी के लिए इतना काफी, आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। और अब इस सीरीज के हम फाइनल पे आते जा रहे हैं, ये सीरीज खत्म होने वाली है। That's right. लास्ट के 3 एपिसोड बचे हुए हैं। अभी मैं हर सैटरडे मेरी कहानी कवर करूंगा, लास्ट के 3 एपिसोड मार्च से पहले खत्म करके जाएगा तुम्हारा भाई कहानी। नेक्स्ट एपिसोड टैटू वाली गर्ल द फाइनल चैप्टर। लीव अ लाइक, एम कर रहे 1500 लाइक पे। और अभी के लिए इतना काफी, आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. Take it. If you won't give it to me.